आ गई है तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हाँ क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी बारिश हो जाना तो नॉर्मल सी चीज है, मौसम खराब हो जाना नॉर्मल सी चीज है। क्यों देविक? जी हाँ, बस ऐसे ही चल रहा है, नाने की तैयारी। सब लोग नीचे मॉर्निंग की चाय ले रहे हैं। बाकी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि सारी चीज़ें मैं आपको शो करती जा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के बस अब नहाना धोना है और हल्दी की तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा हल्दी का होगा। आज मौसम थोड़ा खुला हुआ है, आज धूप है, कल पूरे दिन लेंगे दिन पूरे दिन बारिश रही है और बहुत ठंडा था। रूम की सफाई हो रही है, देख ये हमारा रूम और ये मैं हूँ और यहाँ सफाई हो रही है। ये बच्चे लोग सब उठ चुके हैं, ये गौरवी है, हेलो गौरवी। ये देखिए दैविक उठ चुके हैं सोकर, अब आज की तैयारी करेंगे। दैविक हेलो, दैविक से हेलो, कुछ बोलना चाहते हो? कैसा लगा कल का दिन? सुबह उठ के क्या खा रही हो? बिस्किट खा रही है। अभी हम लोग को हल्दी के लिए रेडी हो रहे हैं। गौरी क्या पहनने वाली हो आप? लहंगा है, लहंगा लहंगा देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? मुझे मेरी माँ की मुझे मौसी और मैं और मेरे भैया मेरी मम्मी और मेरी चाची हम सब हल्दी की तैयारी। मेरी मौसी आपके पहनने वाली है। मौसी पहनेगी लहंगा, येलो कलर का लहंगा। मैं भी येलो कलर का लहंगा, येलो कलर के ऊपर का वो रेनबो कलर की येलो कलर की। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए आपको ले जाते हैं थोड़ी देर में मैं हल्दी की तरफ। हेलो हेलो, हम लोग रेडी हो चुके हैं। कहाँ के लिए? हल्दी के लिए। हल्दी के लिए यस, हम बेबी बुआ की हल्दी में जा रहे हैं। हाँ चलिए। चलो हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट रूम है। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी बारिश होने वाली है। इसलिए फटाफट खाना पहले ब्रेकफास्ट किया, देन उसके बाद हम उस लोकेशन पे चले गए जहाँ हल्दी का पूरा सेटअप था। मैं भी आपको लेकर चलती हूँ हल्दी के सेटअप पे, बिकॉज यहाँ से सब लोग खा के जा चुके हैं। वहाँ पे हम लोग ही सबसे लास्ट थे। तो चलिए फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको हल्दी के सेटअप पर। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दी के सेटअप पर। ये सब लड़की वाले हैं, वेट कर रहे हैं, बिकॉज पहले वहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो बॉयज़ की साइड से है। आप यहाँ देखिए पूरा गीला हो चुका है, मीन्स यहाँ पे बारिश हो रही है, बड़ी मुश्किल होने वाली है। बिकॉज पहाड़ों की सारी शादियों में यही चलता है, कभी भी बारिश हो जाना। यहाँ का मौसम देख के लग रहा है कि बारिश बहुत ज़ोर से होने वाली है। ये है दूल्हा, यहाँ इनकी रस्में चल रही हैं, देन उसके बाद लड़की वालों की साइड से चलेगा। आपको लेकर चलती हूँ ढोल में। यहाँ रिमझिम बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन देखिए बच्चे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इवन हम लोग तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। चलिए डांस करते हैं। बारिश देखिए स्टार्ट हो चुकी है, बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे रस्में चल रही हैं, हमें नहीं पता था यहाँ पे ऐसा होने वाला है। इतनी बारिश हो रही है, कोई भी प्रोग्राम नॉर्मली नहीं जा रहा है, सब बारिश में भीगते हुए चल रहे हैं हम लोग, बट मज़े फिर भी कर रहे हैं। देखिए कैसे अब फटाफट फटाफट सारे काम निपटाए जा रहे हैं। वहाँ देखिए बारिश का मौसम, वैसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पुल में दिख रहा है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। सामने वाले भैया भी बहुत परेशान हो गए हैं,
क्योंकि उनका कैमरा भी देखने का काफ़ी डर है। देखिए कैसी बारिश हो रही है, बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पे सब कुछ। बाकी तो प्रोग्राम फटाफट ख़त्म कर दिया गया है। लास्ट में हम लोग भी यहाँ पे पेड़ के नीचे खड़े हैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। देखिए मौसम साइड में कोई भी नहीं है, सारी चेयर खाली हो चुकी है, सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके हैं यहाँ से, बिकॉज़ बारिश इतनी तेज़ है कि सब लोग भीग चुके होंगे अभी तक। यहाँ बारिश इतनी तेज़ हो चुकी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस हम लोग भी अपने अपने रूम में जाने वाले हैं। यहाँ हल्दी की रस्में ख़त्म होते ही मौसम बिल्कुल साफ होने लग गया था, बट हमारे लिए फिर भी ठीक था, बिकॉज आज शादी है, अभी चूड़ा रस्म बाकी है। तो अब चूड़ा रस्म के लिए लोग आ चुके हैं, आके देखिए। आप अपने भगवान के भजन गाओ साथ में। शगुन आखिर गा रहे हैं हमारे साथ। शगुन की गा रही है, शगुन ही मतलब जो पहाड़ी वाला गा रहे हैं उधर, जो भी गाए। अब वो पूरी है ना, हल्के हल्के हो रहे हैं, उनको सुनाएं। जो भी हो गा लो। चाची गा, चाची गा। वो कहाँ गई, वो तेरी ननद कहाँ गई दीदी की? मामा जी ने प्यार जाया, मामी मंगल गावे। मामा जी ने प्यार जाया, मासी मंगल गावे। ढोल बजे मजीरा बाजे और बाजे सहनाई। ढोल बजे मजीरा बाजे और बाजे सहनाई। बांसुरिया बाजे रे बाबूले। आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे, लड़की ने आंखें बंद की हुई है अब पूरी पूजा के टाइम पे, जब तक चूड़ा रस्म चली थी। मुझे यहाँ पे पता चला क्योंकि मैं भी कंफ्यूज थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है जब तक मामा मामी चूड़ा की रस्म कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, लड़की उस चूड़े को या मतलब उस चूड़ियों को नहीं देखती है, वो पहनने के बाद भी उसको ढक दिया जाता है एंड वो रात को शादी के टाइम पर ही खुलेगी। देखेगी उसी में मेरा लहंगा, उसी में मेरी साड़ी, उसी में बन्ना आप बैठ के आना, उसी में बन्ना आप बैठ के आना। छोटी सी मोटर कार ले के आना, छोटी सी मोटर कार ले के आना। उसी में मेरे पायल, उसी में मेरे बिछुए, उसी में मेरे पायल, उसी में मेरे बिछुए। उसी में बन्ना आप बैठ के आना, उसी में बन्ना आप बैठ के आना। छोटी सी मोटर कार लेके आना, छोटी सी मोटर कार लेके आना। उसी में मेरी चूड़ी, उसी में मेरे कंगना, उसी में मेरी चूड़ी, उसी में मेरे कंगना। उसी में बन्ना आप बैठ के आना, उसी में बन्ना आप बैठ के आना। छोटी सी मोटर कार लेके आना, छोटी सी मोटर कार लेके आना। उसी में मेरा हलवा, उसी में मेरे झुमके, उसी में मेरे हारों, छोटी सी मोटर कार लेके आना, छोटी सी मोटर कार लेके आना। बन्नो तेरा मुख आता है, बन्नो तेरा मुखड़ा चमल काले, बन्नो तेरा मुखड़ा लाख काले, बन्नो तेरी मुखड़ी हजारी, बन्नो तेरी
जारी बनो यहाँ चूड़ा रस्म खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको ले जाती हूँ बाहर की तरफ। देखिए मौसम खुल चुका है, जैसे ही सारे प्रोग्राम खत्म हो रहे हैं मौसम खुल जा रहा है, लेकिन रात को देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब चूड़ा रस्म भी हो चुकी है। चूड़ा रस्म होने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब दूसरी तैयारी।